हाय गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पे। आज मैं आपको आईब्रोज फिल करना और ब्लैक कलर में आई शेडो बताऊँगी। ब्लैक कलर के साथ हम ब्रिगेंडी और थोड़ा सा रेड मिक्स करेंगे। कैसे देंगे उसका लुक? सबसे पहले हम कंसीलर लगाएंगे पूरी आईज पे। अगर आपकी आईज में डार्क सर्कल है तो आप कंसीलर लगाएंगे, आई प्राइमर भी लगाएंगे अगर आपको ज़रूरत है। आप नॉर्मल मेकअप कर रहे हैं तो आई प्राइमर की कोई ज़रूरत नहीं आपको। इस तरीके से ये नॉर्मल कंसीलर है, एडीएस का ही है। आईब्रोज फिल करेंगे सबसे पहले हम। यहाँ से आपको जो शेप बनानी है आईब्रोज की बना सकते हो अपने आप, और ऊपर से भी। थोड़ा सा ब्राउन शेड लेना चाहेंगे ब्राउन भी ले सकते हो। आगे से थोड़ी लाइट ही रखेंगे, तरीके से ही करेंगे। मैंने ये जेल लाइनर से ही की है। अभी तक आप देख रहे हो या तो मैट लाइनर ही यूज़ करती हूँ, या मश्कारे से भी आप फिल कर सकते हो। जो मर्जी चाहे शेप दे सकते हो अपनी आईब्रोज को। ये देख सकते हो दोनों में डिफरेंट। इसके बाद आप कंसीलर लेंगे आईब्रोज को और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हो, और कंसीलर की एक लाइन लगाएंगे इधर से। नीचे की तरफ इसको फैला लेंगे, ऊपर से भी एक इसी तरीके से लाइन बनाएंगे। इस तरीके से ये मेकअप में हमारे मिक्स हो जाता है, और ये आई शेडो में इस तरीके से एकदम क्लियर लाइन आ जाएगी। इसके बाद मैं मश्कारा लूँगी। आपके पास अगर डिफाइनर ब्रश नहीं है आईब्रो करने के लिए तो आप मश्कारा लेंगे। इससे एकदम सेट हो जाती है। किसी के आपने देखा होगा आईब्रोज के बाद काफ़ी लंबे होते हैं, आईब्रोज के बाद तो इधर उधर जाते रहते हैं, सेट नहीं होते हैं। आप इस तरीके से लेंगे और पूरा सेट कर देंगे। इससे और अच्छा लुक आ जाएगा आपके आईब्रोज में। आप इनकी दोनों आईब्रोज देख सकते हो इस तरीके से। आई शेडो में ब्रश में सारे नेक्ड के यूज़ कर रही हूँ, नेक्ड और वेगा। सबसे पहले मैं आई शेडो का बेस बना लूँगी। आप सिंगल शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो। हल्का सा सिवाना की पैलेट किट है ये, हल्का सा ये पीच कलर है लाइट बिल्कुल। आई बन इससे मैं एक बेस बना लूँगी। ऊपर से हमारा कंसीलर से बन ही गया है इस तरीके से। आई शेडो यूज़ करने से पहले आपको प्रॉब्लम होती होगी कि आपकी आई शेडो अगर पाउडर वाली है तो झड़ जाती है। ब्रश को हल्का सा पानी लगा लेंगे और उसके बाद ब्लैक कलर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए पानी लगने के बाद बिल्कुल गिरेगा नहीं ये। आप इस तरह के से किसी भी आई शेडो को यूज़ कर सकते हैं, और आप देख सकते हो ये शिवाना का है ब्लैक कलर, कितना एकदम डार्क है और अच्छा भी है। बैक से आपको जैसी शेप रखनी है वैसे ही रखेंगे। ये कलर एसेंस का है, थोड़ा सा टमाटो है, और इसको दो शेड में मिक्स करेंगे हम। अगर आपके पास नेचुरल ब्रगंडी नहीं है तो थोड़ा सा रेड मिला लेंगे, और थोड़ा सा ये शेड लेंगे। ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और यहाँ से ब्लेंडिंग ब्रश से ही इसको मिक्सिंग करेंगे, ब्लेंड करते जाएंगे अच्छे से। अच्छे से ब्लैक और ब्रगंडी दोनों ब्लेंड हो जाने चाहिए, बीच में से अलग से ना दिखाई दे, और ऊपर से भी इस तरीके से। आईज में जेल लाइनर लगा लेंगे या काजल लगा लेंगे, नॉर्मल जो भी है। पहले इस तरीके से सिंपल से ही काजल लगाया मैंने। हाइलाइटर ले रही हूँ मैं, कैमलिन का है ये। दो ही शेड में आईब्रोज हो गई है, आई शेडो हो गई है। यहाँ से लेंगे हम आप इसको और अच्छा लुक देना चाहते हो हल्का सा अपना ब्रगंडी शेड लेंगे वापस, और आईज़ अपनी
खुलेगा आपके आइज को, ये देख सकते हो बहुत अच्छा शेड आएगा इस तरीके से। और फ्रंट कॉर्नर में हम सिल्वर ही लगाएंगे, मश्कारा लगाऊंगी मैं। इसके बाद आप आईलैशेज लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसमें क्या होगा कि आपकी दोनों आईलैशेज आपस में मिक्स हो जाएंगी, इधर से पकड़ेंगे और वही सेशन करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले सेंटर एरिया, फ्रंट एरिया और साइड। अपनी कॉर्नर एरिया की भी लगा देंगे थोड़ा सा, सिल्वर शेड ही लगा रही हूँ मैं। ये इसके बाद पलके लगा देंगे हम, आइज बंद करें। आप देख सकते हो कोई नीचे काजल ही लगाया सिंपल सा, और ऊपर भी ब्लैक और बर्गंडी और सिल्वर शेड दिया है। आईब्रोज को कैसे फील किया है, आप नॉर्मल लाइनर लगाना चाहें नॉर्मल लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट हम लगाते हैं दिखाते हैं आप वही लगाएं और उन्हीं से सीखें, नॉर्मल लाइनर भी लगा सकते हो। इससे क्या होता है आपकी एक बार आईलैशेज में जो ऊपर दिखाई देती है लाइन वो कवर हो जाती है। इसके बाद मश्कारा लगा सकते हो और ये नीचे भी आईज में देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से कर लेंगे ब्लेंडिंग करके, यहाँ से आईज नीचे की तरफ जानी चाहिए, मेरी ब्रश टक हो गई थी इधर इसीलिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आप देख रहे होंगे पहले एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई दे रहा है। इसको मैं आपको पूरा ब्लैक दिखा देती हूँ। एक बार कंसीलर लगा लेंगे हल्का सा, अगर आपको कॉर्नर में ज़्यादा उठी हुई आईब्रोज चाहिए तो बीच में से थोड़ा ज़्यादा उठा देंगे कंसीलर से ही। अब शुरू करेंगे, मैं ब्लैक ही ले रही हूँ, दीवाना की पैलेट से ही कर रही हूँ। ये 675 की किट है, इसमें सब कुछ है, मैंने आपको पहले भी अपने मेकअप में दिखाया था। यहाँ से लेंगे जो बाद मैं ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, ये वाला कलर, ये वाला मैंने ब्लैक लिया है। पहले थोड़ा सा ग्रे कलर लेंगे और इसको यहाँ से हम ब्लेंडिंग करना शुरू करेंगे इस तरीके से। दोनों कलर को आपस में मिक्स कर देंगे, ब्लेंडिंग ब्रश है नेक्ट का ही। ये इस तरह से करेंगे हम। मैं ये वाला शेड लूँगी, हल्का सा ब्राउन शेड है, बहुत लाइट सा। ब्लेंडिंग करेंगे फिर से दोनों शेड के आपस में। बहुत लाइट सा शेड लूँगी हाइलाइटर के लिए। मिक्स कर देंगे इसमें, वापस से ब्लेंडिंग करेंगे ताकि अलग अलग ना दिखाई दे कोई भी शेड। इस तरीके से आईलैश लगा लेंगे, कह रहे हो ना ग्लू कैसी है। एक्स्ट्रा हल्का सा दिया है आप देख सकते हो, आनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी यहाँ पे मुझसे प्रॉब्लम हो गई थी, आप देख सकते हो। ये फिनिशिंग इसमें भी रख, इस वाले में भी रखना, मैंने सिखाने के लिए बता दिया। अब आप ये देखेंगे आईज ऊपर करो, मैं थोड़ा सा डिफरेंट दिखाती हूँ। आईज खोलो, हल्का सा कंसीलर लगाया है मैंने इस आईज में, आप डिफरेंट देख सकते हो दोनों आईज में। और अगर आप लेंस इंक्लूड कर लोगे तो बहुत ही सुंदर गेटअप आएगा। कहीं भी आपकी आई शेडो लगती है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगी, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मेरी आई शेडो की शेप पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर।
जरूर करें। उठाओ नीचे करें।